मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में जिला पंचायत में जिला लोक सेवा केंद्र द्वारा जिले में चल रहे लोक सेवा केंद्रों का तकनीकी परीक्षण किया गया और मानक आधार पर खरा उतरने वाले लोगों का टेंडर पास होने के बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। दरअसल मीडिया से चर्चा करते हुए बड़वा के ओंकार पटेल ने जिला स्तर के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि लोक सेवा केंद्र की प्रक्रिया के चलते यूआईडी नंबर की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जिला समिति अपनी मनमानी करके लोक सेवा केंद्रों का टेंडर पास कर रही है। वहीं जिला अधिकारी ने मामले का खुलासा करके बताया कि शासन की मंशा अनुरूप टेंडर प्रक्रिया की गई है, जिसमें नेटवर्क सर्टिफिकेट में यूआईडी नंबर होना जरूरी है, जिस पर जिला योजना समिति अपनी मोहर लगा चुकी है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मतलब ये है कि पारदर्शी तरीके से ये टेंडर प्रक्रिया नहीं हो रही है। जो 3 महीने पहले जो इन्होंने बिड खोल ली उनको सिलेक्ट कर दिया, जिनको रिजेक्ट करना था वो रिजेक्ट टेंडर हो चुके हैं। उसके बाद आज नई कंडीशन लेके आ गए कि उसमें नेटवर्क सर्टिफिकेट में आपका यूडीआई नंबर होना अनिवार्य है। उस टाइम भी आप बोल सकते थे, ये शासन का लेटर है कि इसमें अनिवार्य नहीं है, लिखा हुआ है राइटिंग में। उसके बाद भी अब जिला समिति बोल रही कि वो जिला समिति करेगी, वो होगी भोपाल वाले नहीं करेंगे। तो जिला समिति ने जो सही होना चाहिए वही करना चाहिए ना। किस चीज़ के टेंडर होने थे, कहाँ कहाँ से लोग आए? टेंडर हुए थे लोक सेवा केंद्रों के, और मैं बड़वा से हूँ। सभी जिलों के थे, 504 टेंडर हुए थे खरगोन जिले के। एक टेंडर नहीं है इसमें, और मिलना 10 को ही है, सिर्फ 10 ही लोगों को मिलना है। बाकी पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। हमारा ये कहना है कि जो बीट खुल चुकी है, जो टेंडर खुल चुके हैं, उसमें से आप जो सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों की आप लॉटरी निकाल दीजिए चिट्ठी डाल के, बस अधिकारी का कहना है। अब जिला समिति के ऊपर आ रहा, जिला समिति में कौन अधिकारी है, क्या है, तो आप क्या मांग क्या कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं कि जो पहले खुल चुके हैं और जो सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हीं में चिट्ठी डाल के लॉटरी निकाल दीजिए आज, बस। जिसका नसीब जोर मारेगा वो ठीक है, नहीं तो हम चले जाएंगे। बाकी हमें उलझा रहे, प्रशासन उलझा रहा, आपका मंत्रालय उलझा रहा, जो जो भी है उलझा रहे। मतलब आज दिनांक 13 को जिला पंचायत कार्यालय में लोक सेवा केंद्र के टेंडर की तकनीकी परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कि आज एक नया निर्देश जारी किया गया है कि जितने भी टेंडर लिए गए थे उसमें सीए के सर्टिफिकेट में, नेटवर्क सर्टिफिकेट में यूआईडी नंबर कंपलसरी किया जाए। क्योंकि यहाँ पर आपत्तियाँ की जा रही है कि हमको, हमारा इसमें नहीं होगा मे बी, लेकिन हमको समय दिया जाए कि हम यूआईडी नंबर सर्टिफिकेट वाला लेकर आए। चूँकि शासन ने निर्देश जारी किया है कि आपको टाइम नहीं देना है कि बुलवाया जाए, ठीक है, लेकिन हमने चूँकि उनसे निर्देश मांगे कि क्या इतनी आपत्तियाँ आने के बावजूद भी क्या हम आज निविदा ले या ना ले, उन्होंने बोला जिला स्तरीय कमेटी से आप चर्चा कर ले। जिला स्तरीय कमेटी यहाँ बैठी हुई है, उनसे चर्चा भी कर ली। उन्होंने बोला कि शासन ने जो निर्देश दिए गए हैं कि सीए के सर्टिफिकेट पे यूआईडी नंबर अनिवार्य करें, तो हम अनिवार्यता है वो ले रहे हैं। संचालक कहना है कि पहले ये नियम था कि बताया गया, हाँ ये मॉडिफाई किया गया है। शासन के निर्देश तो मॉडिफाई होते रहते हैं। जब निविदा बुलाई गई थी तभी भी उसमें नहीं था कि आप नेटवर्क सर्टिफिकेट यूआईडी नंबर कंपलसरी वाला ही लगाएं। प्लस ये निर्देश आए थे फरवरी 2019 से। निराकरण ये किया गया, समिति ने जो निर्देश दिए, शासन ने जो निर्देश दिए उसका पालन करते हुए आज हम इनको बिना समय दिए हुए जो पहले से ही निविदाएं आई हुई है उन्हीं को आगे वेरीफाई। मतलब इनकी मांग खारिज हो जाएगी जो आपत्ति नजर, ये जो हाँ जिला स्तर पे हम इनकी मांग खारिज कर रहे हैं, और ये सिर्फ मैं नहीं हमारी समिति ले रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।